मैं मुकेश राणा डीबीएस टीवी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। प्रखंड क्रमांक संख्या 12 से जिला परिषद भावी उम्मीदवार रिंकी कुमारी का कहना है कि समाज के हर वर्ग को इंसाफ मिलेगा। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता डीएस सीतामढ़ी ने, देखिए पूरी रिपोर्ट। दबंग बिहार स्टार टीवी से मैं डीएस। इस वक्त हमारे पास रिंकी कुमारी भावी जिला परिषद में है और आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। आप इस वक्त जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं, किस मकसद से लड़ रहे हैं आप? जी हम चुनाव इस मकसद से लड़ रहे हैं क्योंकि क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं और अत्याचार भी बहुत होता है, इस अत्याचार को खत्म करना चाहते हैं। थोड़ी अत्याचार घूस ले लेकर काम करता है, हर जगह पर जाइए घूस लेगा फिर भी वो काम करेगा, घूस नहीं लेने के बाद काम उसका नहीं किया करता है। और अमीर लोग घूस देकर काम कराता है और गरीब लोग नहीं को पास पैसा नहीं रहता है तो काम नहीं करता है और वहां से डांट झपाड़ कर भगा दिया जाता है। हमारे पास रिंकी कुमारी जी का समर्थन करने वाले उनके फादर ग्रैंड फादर है और आइए उनसे हम बातचीत करते हैं। सर आप मुझे ये बताइए कि यहाँ का ग्रामीण आपको क्यों जिला परिषद का चुनाव के लिए आपको मतदाता करेंगे? हम यहाँ से जिला परिषद क्षेत्र से 12 से उम्मीदवार, मेरा पुत्र बहु है रिंकी कुमारी। हम वहाँ के भ्रष्टाचार जो है बिकाऊ का प्रवृत्ति बना दिए हुआ है कुछ जिला लोगों सब, उस प्रथा को हम समाप्त कर देंगे। उस पूरी भ्रष्टाचार से हम आम जनता को निदान दिलाएंगे। मेरा कार्य है, मैं राजनीतिक परिवार से भी हूँ, हम लोग ऐसा कोई भी गलत कार्य ना करेंगे जो वहाँ के जनता के मान सम्मान और ठेस को और ठेस पहुँचे। हम लोग परिवारवाद के कभी भी बढ़ावा देने वाले लोग नहीं हैं और ना देंगे। क्या वादा तो सब करते हैं आने से पहले बल्कि निभाते नहीं है, उनके लिए आप क्या प्रूफ अपना छोड़ेंगे? यहाँ वादा लोग यहाँ के जनता है जो विश्वास कर रही है कि हम पर विश्वास करें, हम अवश्य अपना वादा निभाएंगे और ऐसा कोई भी गलत कार्य न करेंगे जिससे यहाँ की क्षेत्र संख्या 12 की जनता को किसी भी प्रकार के मानहानि का सामना करना पड़ेगा।